zombie apocalypse. तो गाइस क्या आप भी फ्री फायर में इमोट को एकदम फास्ट दिखाना चाहते हो? जैसा कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं एकदम सुपर फास्ट इमोट को दिखा रहा हूँ। अगर ऐसे में कोई सामने वाला बंदा देखेगा तो भाई सोचेगा आखिर में हो क्या रहा है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम 10x स्पीड से इमोट को यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ, और आप चाहो तो इसमें कोई सा भी इमोट को सेट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप सुपर फास्ट इमोट कैसे दिखा सकते हो, वो भी किसी भी एम्यूलेटर में। मतलब कि अगर आप लो एंड पीसी में खेलते हो, आपके पास लो एंड एम्यूलेटर है, तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप 10x से भी ज्यादा फास्ट इमोट शो कर सकते हो कोई सा भी इमोट को। और इसे देखकर सामने वाला बंदा एकदम हैरान हो जाएगा, शॉक हो जाएगा कि भाई एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये कौन सा बग है, कौन सा ग्लिच है। तो अगर आप भी फ्री फायर को एक एमुलेटर में खेलते हो और आपको इमोट को बहुत ज्यादा फास्ट दिखाना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ रहे हो तो पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपको और भी फ्री फायर के अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहूं। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। तो यार अभी यहाँ पर आप देख सकते हो मैं बहुत ही ज्यादा फास्ट दिखा रहा हूँ इमोट को, एकदम ज्यादा फास्ट दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये जो ट्रिक बताने वाला हूँ एकदम इजी ट्रिक है, मतलब कि इसको हर बंदा यूज कर सकता है, एकदम लो एंड से लो एंड पीसी में यूज कर सकता है, और आप इसको सभी एमुलेटर में यूज कर सकते हो। अगर आप फ्री फायर को स्मार्ट गागा में खेलते हो, या पोनिक्स ओएस में खेलते हो, या फिर नॉक्स प्लेयर, एलडी प्लेयर, या फिर आप गेम लूप, या फिर मीमू प्लेयर, या फिर ब्लू स्टैक 3, 4, 5, चाहे कोई सा भी में खेलते हो, मतलब कि किसी भी एमुलेटर में फ्री फायर को खेलते हो, आज की स्टूडियो में आपको ट्रिक बताने वाला हूँ सभी एमुलेटर में सेम रहेगा, आप एकदम सभी एमुलेटर में इजी तरीके से यूज कर सकते हो। तो इसमें आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि दूसरे एमुलेटर में कैसे इस ट्रिक को यूज करना है। अभी के इसमें आपको ब्लू स्टैक में बताने वाला हूँ, ब्लू स्टैक में जैसा सेटिंग रहेगा जस्ट वैसा ही सेटिंग बाकी एमुलेटर में भी रहेगा। मतलब कि स्टेप थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शंस के नाम रहेंगे सेम टू सेम आपके एमुलेटर में भी रहेगा। और साथ ही साथ आपको मैं ऐसा एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एमुलेटर है उसमें भी ऐसा ही ऑप्शन रहेगा। उसके बाद ये आपको पता चल जाएगा कि दूसरे एमुलेटर में भी इसको कैसे यूज कर सकते हो। तो अभी मैं आपको ब्लू स्टैक 5 में करके बताऊंगा। तो अभी गाइस इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने एमुलेटर के सेटिंग को ओपन करना है। तो अभी यहाँ पर देखिए मैं ब्लू स्टैक 5 को ओपन कर लिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले गेम कंट्रोल वाले ऑप्शन में चले जाना है, जहाँ से आप अपने की मैपिंग को सेट करते हो, अपना जो बटन रहता है उसको जमाते हो। तो आपको यहाँ पर अपना की मैपिंग वाला सेटिंग ओपन कर लेना है। तो अभी यहाँ पर मैं ब्लू स्टैक में गेम कंट्रोल में जाता हूँ। यहाँ पर अभी की मैपिंग वाला ऑप्शन आ चुका है, तो आपके एमुलेटर में भी जस्ट सेम ऐसा ही होगा। तो उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ढूंढना है, जैसा कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हो ये ऑप्शन लिखा है, आपको इसी ऑप्शन को अपने एमुलेटर में ढूंढना है। आप जो भी एमुलेटर यूज करते हो, चाहे कोई सा भी एमुलेटर हो, ये जो ऑप्शन है सभी एमुलेटर में रहता ही रहता है। हो सकता है थोड़ा नेम अलग हो, यहाँ पर जो नेम लिखा है इससे थोड़ा अलग नेम हो, लेकिन यहाँ पर जो नेम लिखा है लगभग सभी एमुलेटर में यही नेम रहता है, और आपको इसी ऑप्शन को ढूंढना है। फिर समझ लो आपका इमोट जो एकदम फास्ट दिखने लगेगा। तो अभी आपको इस ऑप्शन को ढूंढ लेने के बाद आपको इसको लॉन्ग प्रेस करना है, फिर यहाँ पर आपको स्क्रीन में लाकर इसको छोड़ना है, इसको आपको टैप नहीं करना है, इसको आपको लॉन्ग प्रेस करना है। फिर यहाँ पर एक बटन टाइप का आ जाएगा जिसको आपको प्रेस करना रहेगा, आपको स्क्रीन के किसी भी जगह में इसको लाकर छोड़ देना है, चाहे कहीं पर भी हो। और आप जैसे ही इस ऑप्शन को लॉन्ग प्रेस करके स्क्रीन के किसी भी जगह में रखोगे, आपको उस ऑप्शन में अपना एक बटन सेलेक्ट करना है, कोई सा भी बटन सेलेक्ट कर सकते हो, बस आपको लॉन्ग प्रेस करके स्क्रीन के किसी भी जगह में उसको रख देना है। फिर यहाँ पर अपना कीबोर्ड का कोई सा भी बटन दबाना, उसके ऊपर सिंपल से टाइप हो जाएगा जो भी बटन आप सेलेक्ट करना चाहते हो। उसके बाद गाइस आपको राइट क्लिक करना है यहाँ पर, या फिर लेफ्ट क्लिक भी कर सकते हो। यहाँ पर कुछ इस टाइप से टेक्स्ट एंटर करने का आ जाएगा, आप माउस का लेफ्ट या राइट क्लिक करके देख लेना, क्योंकि किसी किसी एमुलेटर में थोड़ा अलग भी रहता है ऑप्शन। तो आपको बस ऐसा ही करना है, सेम प्रोसेस रहेगा सभी एमुलेटर में। फिर आपको यहाँ पर टेक्स्ट एंटर करने का आ जाएगा राइट साइड में, देख सकते हो। अभी यहाँ पर आपको टेक्स्ट एंटर करने वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर मैं जो कुछ भी लिखूंगा सेम टू सेम अपने एमुलेटर में भी लिखना, ब्लू स्टैक है तो ब्लू स्टैक में तो पूरा सेम टू सेम कर ही देना। और आपको यहाँ पर फ्री फायर के स्क्रीन में इमोट वाला सेक्शन भी दिख रहा होगा, तो इसको मैंने इसीलिए लाया है ताकि हम जो भी इमोट को सेलेक्ट करें वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि किस इमोट को सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्री फायर का स्क्रीन का है। इसको मैं ओपन किया हूँ, उसके बाद अपने एमुलेटर के सेटिंग को ओपन किया हूँ। तो आप भी अपने इमोट वाले सेक्शन को पहले ओपन कर लेना, देख लेना किस इमोट को सेलेक्ट करना चाहते हो, उसके बाद अपने एमुलेटर के सेटिंग को ओपन करना। अभी देखिए आपको यहाँ पर टाइप क्या करना है, यहाँ पर आपको स्माल में, पूरे स्माल में टाइप करना है, TAP आपको सिंपल से टैप लिख देना है। उसके बाद आपको स्पेस नहीं देना है, आपको सिंपल से सबसे पहले टैप लिखना है, फिर आपको स्क्रीन के किसी भी जगह को आपको टैप करना है, किसी भी जगह आपको लेफ्ट टैप करना है। यहाँ पर देखिए कुछ कोड टाइप का आ रहा है आपके माउस के कर्सर के बगल में, कुछ कोड टाइप का आ रहा है, और यहाँ पर ये जो कोड लिख रहा है इसका मतलब है एक्स और वाई, मतलब कि आपको पता होगा एमुलेटर का जो सेंसिटिविटी रहता है एक्स और वाई सेंसिटिविटी रहता है, मतलब पूरा स्क्रीन में एक्स और वाई वाली सेंसिटिविटी रहती है। तो ये
जो है एक्स और वाई की मतलब समझ लो एक तरीके से दूरी है, ऊपर से नीचे और लेफ्ट से राइट तक का एक्स और वाई की बीच की दूरी है। तो ये उसका दूरी है। तो आपको सबसे पहले स्क्रीन के किसी भी जगह को टैप करना है, यहाँ पर लेफ्ट टैप करना है, फिर आपको इमोट वाले ऑप्शन में आ जाना है। फिर आपको इमोट वाले ऑप्शन में आ जाने के बाद जहाँ भी आपका इमोट वाला ऑप्शन है उसमें आ जाने के बाद आपको उसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही गाइस जो माउस का कर्सर में जो भी लिखा रहेगा मतलब कि जो भी उसका दूरी रहेगा एक्स और वाई वाला, वो जो टैप लिखा उसके बगल में आ जाएगा। बस आपको इतना ही करना है। यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है कि आप जहाँ पर भी स्क्रीन को टैप कराना चाहते हैं वहाँ पर एक्स और वाई की दूरी के हिसाब से यहाँ पर नोट होता है, उसके बाद ही स्क्रीन आपका टैप करेगा, मतलब एमुलेटर उसको टैप करेगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे में आपको पूरे स्माल में लिखना है, वेट लिख देना है पूरे स्माल में। फिर आपको फिर से स्पेस देना है, यहाँ पर पहले वाले में स्पेस नहीं देना है, आपको नीचे वाले में स्पेस देना है वेट लिखने के बाद। फिर यहाँ पर आपको 5 लिख देना है, क्योंकि इमोट का जो स्लॉट है वो तुरंत नहीं खुलता। एमुलेटर सबसे पहले जो आपका इमोट वाला सेलेक्शन है उसको सेलेक्ट करेगा, उसके बाद उसको खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए यहाँ पर वेट 5 लिखा है, ये 5 मिलीसेकंड है। उसके बाद आपको नीचे फिर से यहाँ पर लिखना है, आपको फिर से यहाँ पर टैप लिख देना है, उसके बाद आपको स्पेस नहीं देना है। आपको फिर से यहाँ पर स्क्रीन को लेफ्ट टैप करना है, फिर यहाँ पर कुछ कोड टाइप का आ जाएगा। फिर आपको राइट टैप करना है जहाँ पर भी आपका इमोट है, मतलब जो भी इमोट आपने सेलेक्ट करना चाहते हो कौन सा इमोट है, बस आपको वहाँ पर जाकर राइट क्लिक करना है। यहाँ पर फिर से जो एक्स और वाई की दूरी है यहाँ पर टैप के बगल में आ जाएगा। तो बस आपको इतना ही करना है। उसके बाद आपको सिंपल से सेव कर देना है। सेव का ऑप्शन आपके एमुलेटर में थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन आसपास ही होगा। सेव आपको सिंपल से कर लेना है। सेव करने के बाद समझ लो यहाँ पर अभी हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं, आपका काम हो गया। अभी देखिए यहाँ पर मैं उसी बटन को दबा रहा हूँ जो हमने पहले सेट किया था। अभी देखिए यहाँ पर देख सकते हो एक बार शो हो रहा है, मतलब एक बटन में यहाँ पर सिंपल से एक बार शो हो रहा है, इमोट का ऑप्शन ओपन हो रहा है, फिर वो सेलेक्ट कर रहा है कौन सा इमोट है वो। अभी हमको इसको एकदम जल्दी जल्दी करना है, तो इसके लिए आपको सेम प्रोसेस को बार बार करना है। मतलब कि अभी हमने जो भी इसको इंटर किया मतलब कि सेम टू सेम प्रोसेस आपको फिर से करना है। तो आपको फिर से उसी को ओपन करना है, यहाँ पर देख सकते हो इसमें राइट क्लिक करना है, यहाँ पर फिर से इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको नीचे में फिर से यहाँ पर आपको लिखना है, टैप करना है, आपको फिर से इमोट वाला जो सेक्शन है वहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। पहले तो लेफ्ट क्लिक कर लेना स्क्रीन में, फिर आपका जो भी एक्स वाई वाला वहाँ पर का दूरी है वो वहाँ पर नोट हो जाएगा। फिर आपको नीचे में लिखना है, वेट लिखना है, फिर आपको स्पेस देना है, फिर 5 लिखना है, फिर आपको फिर से जो भी इमोट सेलेक्ट कर रहे हो उसी इमोट को फिर से यहाँ पर सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, जो भी उसका दूरी है वहाँ पर नोट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा एक बटन में मतलब लगातार ये स्टेप होता जाएगा और वैसे में इमोट एकदम ज़्यादा फास्ट दिखेगा। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो मैं एक बटन से बहुत ही ज़्यादा एकदम स्पीड से दिखा रहा हूँ, 10x स्पीड से। तो इसमें गाइस मैंने 6 से 7 बार इसको मतलब लगातार स्टेप को किया है उसमें। आप इसको चाहो तो और भी ज़्यादा स्पीड से करना चाहते हो तो और भी ज़्यादा उसमें मतलब सेम कर सकते हो सेम प्रोसेस को। इस तरीके से आप इमोट को एकदम ज़्यादा फास्ट तरीके से एमुलेटर में दिखा सकते हो। पर आपको मैं ये बता देता हूँ कि जैसे किसी भी इमोट को सेलेक्ट कर रहे हो तो आप पहले वाले ऑप्शन में जो भी टैप कर रहे हो मतलब पहले वाले ऑप्शन में जो भी इमोट को सेलेक्ट कर रहे हो उसके बाद आप लाइन के बाद उसी को अगर इमोट को सेलेक्ट करोगे तो वो उसी इमोट को एकदम फास्ट तरीके से दिखाता है। लेकिन अगर आप दूसरे बार में किसी दूसरे इमोट को टैप करोगे तो एकदम अलग हो जाएगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए मैं पहले वाले टैप में लोल वाले इमोट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद दूसरे वाले टैप में मतलब अपना ऑप्शन जो है वो वही है लेकिन दूसरे वाले ऑप्शन में मैं किसी दूसरे इमोट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो वैसे में एकदम कैरेक्टर जो है उल्टा पुल्टा दिखने लगेगा, अजीब से एकदम हिलने डुलने लगेगा, क्योंकि एक बटन में वो 6-7 इमोट को एक साथ अलग अलग तरीके से टैप कर रहा है। स्पीड तो रहेगा ही क्योंकि एक ही सेकंड में एकदम जल्दी जल्दी इमोट को सेलेक्ट करेगा और वैसे में अलग अलग इमोट को सेलेक्ट करेगा तो और भी ज़्यादा एकदम ओपी लगेगा। तो आप चाहो तो वैसा भी कर सकते हो। तो इस तरीके से गाइस आप पीसी में इमोट को बहुत ही ज़्यादा 10x स्पीड से फास्ट तरीके से दिखा सकते हो। तो अगर गाइस आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स सी गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।